भूकंप के लिहाज से जापान बहुत ही संवेदनशील देश है। इसके पीछे की वजह यहाँ की धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स है। ये प्लेट्स एक अभिकेंद्रित सीमा बनाती है, जिसके कारण ये क्षेत्र दुनिया की सर्वाधिक भूकंपों का केंद्र बन जाता है। भूकंप आने की वजह से जापान में काफ़ी नुकसान भी होता है। हालांकि भूकंप के कारण ही देश में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां 100 साल पुरानी बंद पड़ी एक घड़ी भूकंप के कारण चालू हो गई है। दरअसल ये घटना जापान के यामामोटो की है। खबरों के मुताबिक यामामोटो के एक बौद्ध मठ में 100 साल पुरानी एक विशाल घड़ी लगी हुई थी, लेकिन साल 2011 में आए एक भूकंप के कारण ये घड़ी बंद हो गई थी। उस समय से ये घड़ी बंद पड़ी थी, लेकिन हाल ही में घड़ी एक घटना से सभी लोगों को हैरान कर दी। बता दें कि इस क्षेत्र में फरवरी 2021 में भूकंप आने पर घड़ी अपने आप ठीक हो गई। करीब 10 सालों से बंद पड़ी घड़ी ठीक पहले की तरह चलने लगी। हालांकि लोगों का ऐसा मानना है कि किसी भी तकनीकी कारणों से ये घड़ी फिर से चलने लगी हो, क्योंकि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि घड़ी के अंदर जमी धूल भूकंप की वजह से हट गई हो, लेकिन वजह ये है फिर चलने लगी है। बता दें कि इस घटना के बाद घड़ी निर्माता कंपनी के एक प्रतिनिधि भी वहां पहुंचा। घड़ी के दोबारा चालू हो जाने से मठ के आसपास रह रहे लोग काफ़ी खुश हैं। साल 2011 में भूकंप के बाद आई सुनामी की लहरों का पानी मठ के भीतर घुस गया था। इस घटना की वजह से सिर्फ मठ के खंभे और छत बच पाई थी। यह घड़ी भी एक खंभे पर टंगी होने के कारण बच गई थी। सुनामी के बाद हालात सुधरने पर मठ प्रमुख ने घड़ी को ठीक कराने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह उसे ठीक नहीं करा पाए थे। इसके बाद उन्होंने घड़ी को उसी तरह छोड़ दिया। फिलहाल एक लंबे समय के अंतराल के बाद ये घड़ी फिर से चलने लगी। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।